सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया निकल मेरे घर से जल्द से डायन गई मेरे बच्चे को कहा गई है तू बर्बाद जी बस करे बस करे बस करे इनका कसूर नहीं है कसूर मेरा है मैंने गोली चलाई थी मैंने सुन साया निशाना अच्छा नहीं है तुम्हारा मौत की सजा होगी तुम्हें पता है डर नहीं लगा कैसे लगेगा तुम्हें इतना बड़ा काम किया है तुमने गैरत के नाम पर कुर्बान हो रहे हो बुत बनाया जाएगा तुम्हारा तुम्हारे नाम के गीत गाए जाएंगे आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखेंगी मैंने जो कहना था दौलत में कही थी वो सब कुछ झूठ था यही सच बकवास मत करो शामिर मुझे सच पता है अपने भाई के जुर्म का फंदा अपने गले में डालने जा रहे हो शामिर क्यों कर रहे हो ऐसा तुम एक बार फिर अपने खानदान के लिए कुर्बान होने जा रहे हो तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी मेरा क्या होगा हीर मैंने तुम्हारा ही सोचा सोचा कि तुम चली गई और मुझे भी तुम्हारे पास आना चाहिए ठीक है मान लेती हूँ कि मुझे मुर्दा समझकर मुझसे मिलने के लिए तुमने खुदकुशी का फैसला कर लिया लेकिन फिर क्या हुआ मैं बच गई मैं जिंदा हूँ शामिर फिर क्या हुआ जब मैं पीछे पीछे आ रही थी बाजी का फंदा लेकर तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा तब तुम क्यों खामोश रहे मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो एक और खबर का तोहफा देख क्या कहा उन्होंने देख नहीं रहा शक्ल पे लिखा हुआ है हमें क्या कहा उन्होंने एक औरत के चार बेटे थे चारों को किसी जुर्म में फांसी की सजा हो गई औरत के बहुत रोने धोने पर हुकूमत को उसका तरस आ गया उन्होंने कहा कि मां अपने किसी एक बेटे को बचा सकती चारों बेटों को उसके सामने लाया गया और वो मां ये सोचते सोचते मर गई कि अपने किस बेटे को बचाए कुछ ऐसे ही आदमी रहा भी यानी कि वो नहीं माने बड़ा गर्दन अकड़ा कर गई थी है एक बच्ची ने सारा सरिया निकाल दिया तेरा अम्मा जी वो आपकी गोद में नहीं पली थी अगर बनी तो इसी मिट्टी से है ना आप एक ही तरह रिवायतों में गुनी उसे भी एक कब्र की जगह दूसरी कब्र चाहिए मैंने कहा था ना जब तक उसके सर पे खाक नहीं डालोगे कुछ नहीं बनेगा
अपने सर पर खाक डालने का वक्त आ गया माजी। छवि भाई ने निकाल लिया अपने आप को बरादरी से। गैरत के नाम का वो टुकड़ा संभाल कर रखे अपने संदूक में, जो कैसर कमा कर लाया आपके लिए। छोड़ इसकी बातें, ये तो उस कबीले से है जो थप्पड़ पे दूसरा गाल आगे कर, बुला के ला सबको, जाके पकड़ेंगे शफी मोहम्मद का गरीबान, देखती हूँ कैसे राजीनामा नहीं करता। चल जाना, सोच क्या रहा है? नहीं अम्मा जी, नहीं। अम्मी ठीक कह रही, ये वक्त गिरबान पकड़ने का नहीं है बल्कि अपने गिरबान में झांकने का है। अस्सलामुअलैकुम बीबी जान। वालेकुम सलाम। पहचाना आपने मुझे? मैं हीरू। जमाल की बीबी की बहू। जमाल की बीबी मेरी बहू। कैसी हैं आप? मेरी लड़ाई खत्म हो गई जी। तहे हार क्या है? हार जीत का फैसला आपने करना है बेबी जान। आज इस अदालत में मुझे बचाने के लिए हीर पर जितना कीचड़ उछाला गया वो सब छूट गया। मैंने खुद को आजाद कर लिया था, अपनी सजा खत्म कर ली थी। एक बेटा था वो मां अभी भी जिंदा है। आपकी मां के तो फिर भी दो बेटे। आइए। आइए। जमाल की अम्मी। हम चले? आइए। अम्मी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दोनों बेटों में से किसको चुनेंगे, तब तो आपको मुश्किल नहीं होगी ना? आप शमीर को ही चुनेंगी ना? नहीं बेटा, तो अम्मा जी की गोद में पला जरूर है पर बेटा तो मेरा ही है ना।
लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शामीर को ही चुने। गुलाम रसूल की शक्ल में मैं तो हूं ना आपके पास, लेकिन शामीर की जगह कौन होगा? किसे गले लगाएंगे आप? तो क्या सोच रहा है? मैं शामीर को लाऊंगा। कैसे? मुझे पता है मुझे क्या करना है। तेरी गलत फिर कोई गुल खिलाने वाली है क्या? नहीं अम्मी, मैं जो भी करूं गैरत में नहीं करूंगा, प्यार में करूं। ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत दिनों के लिए जा रहा हूं, बहुत याद आएगी तुम। सच बोलता रहा भी शहर में मैं कितनी भी महफिलें लगाऊं, तेरी चिट्ठी से प्यारी कोई चीज नहीं। इस बार इतना प्यार क्यों आ रहा है? आता हर बार है, इस बार बोल रहा हूं जू, गुलाम रसूल की कसम। मुझे दुनिया में तुझसे ज्यादा प्यारी कोई औरत नहीं लगती। राबिया, राबिया दरवाजा खोलो, मेरे पास इस बचपने का टाइम नहीं है, दरवाजा खोलो राबिया। कैसर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मैं जानता हूँ, अब दरवाजा खोलो, मुझे देर हो रही है। कैसर, मैंने सब सुन लिया था, आप वकील से बात कर रहे थे ना, आप शामीर के जुर्म का इल्जाम अपने सर लेने जा रहे हैं ना? वो शामीर का जुर्म नहीं है, वो मेरा जुर्म है। मैं अपने जुर्म का इतराफ करने जा रहा हूं, अपने भाई को बचाने जा रहा हूं। कैसर, तो ये है आपकी मोहब्बत? मुझे बेसहारा छोड़ जाएंगे? और ये तुम्हारी मोहब्बत है कि मैं बेगैरतों की तरह पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं? कैसर, ये गैरत नहीं है, ये पागलपन है आपका। आपने जो करना था ना वो कर लिया। नहीं राबिया, गैरत तो वो सच चाहिए जो इंसान अपने आप से करता है, असल इज्जत तो वो है जो इंसान अपनी करता है, बाकी सब झूठ है। शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकता मैं, इससे बेहतर है मैं सच्चाई के साथ मर जाऊं। नहीं नहीं कैसर, कैसर मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको कैसर। राबिया दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा राबिया। खबरदार,
खबरदार जो किसी ने दरवाजा खोला, वरना मैं अपने बेटे को लेके किसी कुएं में छलांग लगा दूंगी। राबिया, 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 समाज का आगाज किया जाए। सब अम्मी दरवाजा खोले, अम्मी मैं आपके बेटे को लेने जा रहा हूं, मैं शामीर को लेकर आऊंगा। कटरे में पेश कीजिए। अब आइए सरताज बीबी। जी बीबी, नाम क्या है आपका? जरताज बीबी। आपके शौहर का क्या नाम है? फैज मोहम्मद। जमाल आपका क्या लगता था? मेरा बेटा था। और ये शख्स जो इस वक्त कटेरे में खड़ा है, आपके बेटे का कातिल है। जानती हूं। आपने दरख्वास्त दी है कि आप इसे माफ करना चाहती हैं। जी हाँ। आप पर कोई दबाव या किसी किस्म की जबरदस्ती? जी नहीं। आप यहां खुलकर बात कर सकती हैं। अदालत आपको मुकम्मल तहफ्फुज फराहम करेगी। जी नहीं साहब, मैं यहां अपनी मर्जी से अपने बेटे का खून माफ करने के लिए आई हूं। आप अपने जवान बेटे के कातिल को क्यों माफ करना चाहती हैं? क्या वजह है? अपना एक बेटा खो चुकी हूं, अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती।
रास्ता तो हीर ने भी गलत चुना था, उसे तो मेरी महरूमियों का पता था, कि उसे मेरी कमजोरियों का भी समझना चाहिए था। सुन साया देखे, मैंने आपसे कहा है ना उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं फोन पे बात कर सकते, आपने जो कहना है मुझे कहें। क्या शमीर बरी हो गए, आजाद हो गए? जमाल की माँ ने अपना खून माफ कर दिया? शमीर बरी हो गए, आजाद हो गए? चले फिर इस पर हम भी निकलते हैं। हीर बात, मुझे माफ कर दो। माफ मैं तुम्हें कर चुकी हूँ शाम, और तुम अब आजाद भी हो गए। ऐसी माफी का क्या फायदा कि मुझे कब्र से निकाल कर वहीं कब्रिस्तान में छोड़ के जा रही हूँ? कब्रिस्तान की तरफ तो मैं जा रही हूँ, मेरा रिश्ता अब एक कब्र से है। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ जाकर अपनी रिवायात और अपने रिश्ते में। शामिर, कैसर ने खुद को गोली मार ली है। आज मुझे यकीन आ गया कि मजलूम की आस से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। ताकत और इख्तियारात के नशे में ये क्यों याद नहीं रहे? खुदा की अदालत में ना किसी सबूत की जरूरत होती और ना ही किसी गवाह की। आज हम कितने बेबस हैं, जिस शख्स धक्के दे के ऐसे ही घर से निकाला था, आज हमारी बेटी उस
आपकी बेवा बन के जा रही है। रास्ता तो हीर ने भी गलत चुना था। उसे तो मेरी महरूमियों का पता था कि उसे मेरी कमजोरियों का भी समझना चाहिए था। आप हीरो होता है, वो सुपरमैन नहीं होता। मैं तो अदालत में उसके साथ खड़ा रहा ना, अगर वो भी मेरे साथ खड़ी रहती तो शायद हम ये जंग जीत जाते इतने बड़े नुकसान के बगैर ही। जीत जाते हम, मैं मानता हूं बेटियों को हर बाप पे सर नहीं झुकाना चाहिए, नहीं झुकाना चाहिए। आप कैसर की तदफीन पे जाएंगे? नहीं शाला, मैं कहीं नहीं जा रहा। आज तो मेरी बेटी की रुखसती का दिन है, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा रहे? क्यों? क्योंकि आप गांव जा रहे हैं तदफीन में शरीक होने के लिए। बाबा आपको जाना चाहिए, प्लीज। इतना कुछ होने के बाद क्या एक दूसरे का सामना करेंगे? वो करें ना करें, आपको करना है, क्योंकि आपने ये प्रूव करना है बाबा कि रिश्ते कायम करने के लिए बच्चों की शादियां जरूरी नहीं होती। तुम
बहुत मुश्किल काम करवाना चाह रही है मुझसे। रोज के हिस्से में हमेशा मुश्किल काम ही आते हैं। ओके बेटा, अम्मा जी आप इजाजत दीजिए। ले जा भाव को। ले जा भाई को। अम्मा जी रुके, शफी भाई आ रहे हैं। आप मुझसे मिलने आया करेंगे? इतनी दूर जा रही हो अकेली ही, मेरा तो ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ ही लगा। एक बात बताऊं मम्मी, जो बेटियां माओ की बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती है ना, फिर वो कहीं भी कभी भी अकेले नहीं होती। चले अम्मी। मैंने आज तक जो कुछ तेरे लिए किया उसका न सिर्फ तूने हक अदा कर दिया है, पर उल्टा मैं तेरी कर्जदार हो गई। माँ और बेटे में क्या हिसाब किताब माँ जी? नहीं शफी भाई, आपके आने से पहले तो मैं यही सोच रही थी शफी भाई कि शामिर इतना बड़ा बोझ अकेले कैसे उठाएगा, और मैं अब सोच रहा हूँ कि अब तो शामिर अकेला रह गया है, अकेले ही कोई मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। अल्लाह तुझे लंबी हयाती दे मेरे बच्चे, तेरे कंधों की अब हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। शबी भाई, आपने मेरे कैसर को तो माफ कर दिया ना, उसके लिए मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे आपके आगे। मेरा आना काफी नहीं है क्या? कुछ कहना जरूरी है? नहीं शफी मम्मी, गुनाहगार मैं हूं, गलती मेरी है, मेरे किए की सजा तुम सब भुगत रहे हो, तू भी हीर भी, मेरा शामिर भी, ये सब लड़कियां भी, मुझे माफ कर दो।
मैं तुम सबसे माफी मांगती। नहीं अम्मा जी, आप तो हमें जोड़ना चाहती थी, शायद आपका तरीका ठीक नहीं था। अब रिश्तों को खूंटे से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से शादियां और खराब हो जाती हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, पर मोहब्बत कैद नहीं करती, सिर्फ आजाद करती है। मैंने बुलाया है इसे यहां तुम्हें यहां से ले जाने के लिए। एक जवान लड़की का इस तरह से अपने शौहर की कब्र पर बैठे रहना ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारा मजहब इसे अच्छा नहीं समझता। देखो बच्चे, तुमने अपनी बीवी होने का हक अदा कर दिया, तुमने अपने शौहर की कब्र को इज्जतदार बना दिया। मैं जब तक जिंदा हूं उसकी कब्र की मिट्टी को संवारती रहूंगी। कुछ दिन की जिंदगी बाकी है, फिर मैं भी उसके पहलू में जाकर सो जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दूसरे बेटे के हवाले करना चाहती हूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे भी सुख नहीं मिलेगा और जमाल भी खुश नहीं होगा बेटा। मैं अपने बेटे की इज्जत को किसी इज्जतदार के हवाले करना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है बेटा, इनकार न करना। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया कबूल है
अच्छा बेटा तुम जाओ, देर हो रही है। सुन साया।